सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द शेड्यूल फॉर मार्च आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि मार्च uh, में क्या क्या कवर होगा तो uh, इस मंथ मेजोरिटी uh, में हम लोग स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे ठीक है प्लान uh, तो था लीनर एल्जब्रा भी कवर करने का बट uh, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पिल कर जाएगा अप्रैल में ठीक है तो स्क्रीन पर अभी आपके सामने आई हैव केप्ट द शेड्यूल ठीक है तो एक बार मैं आपको जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूँ शेड्यूल में क्या क्या है सो so, uh, कल सिक्स है सिक्सथ uh, मार्च तो मैंने सिक्स सेवन और एट तीन दिन uh, आपको छुट्टी दी है और मैंने भी छुट्टी uh, ली है रीज़न बीइंग होली है और सेकेंड रीज़न इज कि चार महीने हो गए पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते आई थिंक uh, हम दोनों को ही ब्रेक की ज़रूरत है तो लेट्स टेक अ थ्री फोर डेज का ब्रेक आज संडे है आज का ब्रेक हो गया और तीन दिन और Uh, इन तीन दिनों में आप थोड़ा सा रेजुविनेट हो जाओ uh, अगर आप पीछे चल रहे हो तो मे बी थोड़ा कवर कर लो दैट द आइडिया बिहाइंड एंड आफ्टर द ब्रेक फ्रॉम नाइन्थ विच इज थर्सडे और नाइन्थ और टेंथ को हम लोग का दो स्टैटिस्टिक्स के सेशन होंगे जो कि फ्री सेशन हैं यूट्यूब पे uh, उसके बाद सैटरडे को वी विल है एडवांस्ड एस क्यूएल का सेशन सो uh, so हम कुछ और सेशन भी लेंगे इस मंथ ऑन एस क्यूएल बिकॉज कुछ टॉपिक्स रह गए तो वीक uh, टू में लेट मी फर्स्ट शो यू स्टैटिस्टिक्स में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने बस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंफ्लेंशल स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से लिखा हुआ है तो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सो विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डेटा पॉपुलेशन क्या होता है सैम्पल क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी फाइव नंबर समरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफी बात करेंगे पीडीएफ डी सी डी एफ कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन Uh, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो द प्लान इज की ये सेशन ये सेशन और ये तीन सेशंस में विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दिस एंड विल ऑल्सो टेक सम डेटा साइट्स और प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम करेंगे uh, उसके बाद जो फोर्थ सेशन होगा दैट विल बी ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो और जो भी नॉन गोशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे जैसे कि यूनिफॉर्म हुआ बाइनोमियल हुआ बर्नॉली हुआ और भी जो भी है अगर एक में नहीं हो पाया ये वाला तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे इनटू टू सेशंस उसके बाद नेक्स्ट वीक भी हम लोग दो और सेशंस करेंगे ऑन एडवांस्ड एसक्यूएल तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जैसे कि इंडेक्सिंग बचा हुआ है ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं व्यूज बचे हुए हैं तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि एडवांस्ड एसक्यूएल में ये सब पूछा जा सकता है ठीक है वंस वी आर डन विद द सेकेंड वीक थर्ड वीक ऑनवर्ड्स विल मूव ऑन टू इनफुरशियल स्टैटिस्टिक्स जो काइंड ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ पर आप कई तरह के टॉपिक्स पढ़ोगे लाइक वॉट आर द डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थियोरम कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथिस टेस्टिंग पी वैल्यूज बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं टी uh, टेस्ट हुआ एफ टेस्ट हुआ ये सारे टेस्ट हम लोग कवर करेंगे

इन बिटवीन दिस शेड्यूल ठीक है मतलब ये जो वीक्स में ये जो डेज खाली पड़े हैं यहाँ पे आई प्रोबेबिलिटी uh, के बेसिक्स ठीक है करियर पर चर्चा इसलिए नहीं डाला इस मंथ बिकॉज रीजन वन काफी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं जैसे की क्यागल के साथ कैसे काम करना है तो वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ

ऑप्टिमाइजेशन uh, वाला चीज एज इन कैलकुलस एक्सेट्रा तो वो क्या करेंगे हम लोग कि उसको मशीन लर्निंग पढ़ने के प्रोसेस में वी विल स्टडी देम ठीक है लेट्स से आप लीनियर एल्ज्रा पढ़ सॉरी uh, आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको मेट्रेसेस uh, वगैरह के बेसिक्स की जरूरत पड़ती है तो हम वहीं पर कवर कर लेंगे इन वन और टू क्लासेस ठीक है तो डोंट वरी अबाउट दैट विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इट्स जस्ट कि जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है दैट्स शुरू से तो इस मंथ आप ऐसे समझो कि अ लॉट ऑफ फोकस विल बी ऑन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड यू दैट कॉन्सेप्चुअल फंड ये बेस टू द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स वर्ल्ड तो स्टैटिस्टिक्स एक बार अच्छे से समझ जाने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी ठीक है तो या दिस इज द शेड्यूल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गिव मी सम फीडबैक कि इसमें क्या कुछ और ऐड करना है नहीं करना है व्हाट आई विल डू इज मैं अभी करिकुलम के ऊपर और काम कर रहा हूँ लाइक like, भी मैं सब टॉपिक्स डिसाइड कर रहा हूँ तो आपकी साइड से अगर कुछ एड्स अपट्रैक्ट करना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो बाय नो मीन्स दिस इज अ फिक्स थिंग इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे एंड वंस वी आर डन विद दिस मच देन इन द नेक्स्ट मंथ विल मूव ऑन टू मशीन लर्निंग जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो या आई रियली होप मैंने कुछ मिस नहीं किया आई जस्ट स्कैन थ्रू द शेड्यूल वंस बाकी अपना फंडा सेम रहेगा वीक में चार क्लासेस और कुछ एडिशनल वीडियोस बीच में ऑल्सो uh, ये जो तीन दिन का ब्रेक है इन तीन दिनों में मैं आपको पुराने जो भी टास्क के सोल्यूशन बचे हुए वो बना के दे दूंगा तो उस सेंस में भी हम लोग कवर अप कर लेंगे ठीक है तो या दैट सेट फॉर द शेड्यूल आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर एवरीथिंग जो भी डाउट है आपके दिमाग में uh, ये शेड्यूल ऑलरेडी वेबसाइट में इंटीग्रेटेड है तो आप जाकर के चेक कर सकते हो ठीक है चलो फिर मिलते हैं होली के बाद आ, टेक केयर एंजॉय योर होली